बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। बिहार मिथिला न्यूज लगातार आपको दिखा रही है कि दरभंगा के महाविद्यालयों की क्या है, कैसे रौनक लौटी है। जो छात्र छात्राएं पहले नहीं थे वो अब कॉलेज में कैसे आने लगे हैं। क्या लगता है, पहले कॉलेज आती थी आपके? जी, हम तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आते हैं। इतना भीड़ आप देख रहे हैं, पहले था इतना भीड़? नहीं, इतना नहीं था। रूल कुछ चेंज हुआ है इसके कारण। क्या आपको लगा रूल चेंज हुआ? हाँ, जैसे क्लास तो पहले भी चलता था लेकिन अब स्टूडेंट में डर है जो क्लास करना। अच्छा, क्लास रेगुलर होता है? जी, रेगुलर शुरू से ही होता है। हमेशा से कितने घंटे हो जाते हैं? हाँ, हम लोग का जैसे अभी फोर्थ सेमेस्टर, हम लोग का तीन बेल होता है, हो जाता है। हाँ, चलिए, देखिए बहुत से स्टूडेंट है। क्या, किस क्लास में हो? ट्वेल्थ में। क्लास हो रहा है? जी। अब आते हो? ट्यूशन पहले जाते थे पढ़ने के लिए? हाँ। अब तो गड़बड़ हो गया? नहीं, गड़बड़ काहे होगा, पहले भी क्लास करते थे हम लोग, शुरू से ही क्लास करते। रेगुलर करते हो? जी। तो अब क्लास रेगुलर कितना घंटे होता है क्लास में? क्लास में सब पीरियड चलता है, रूटीन वाइज चलता है सब। जी, सब 40 मिनट का क्लास चलता है। चलता है? टीचर अच्छा से पढ़ाते हैं? जी, पूरा बढ़िया। तो कोचिंग में जाने से और स्कूल कॉलेज में क्या अंतर लगा? अब वो आप पर डिपेंड करता है कि किसको आप ज़्यादा समझते हैं, कौन से आप, जिस पर बच्चा इधर भी ध्यान देगा। कितना बच्चा आ जाता है तुम्हारी क्लास में? अभी तो मतलब पूरा टोटल बच्चा 512 है कॉमर्स में। हाँ। जिसमें से 350 प्लस ही बच्चा रोज रेगुलर करता है अभी। हाँ। रेगुलर आ रहा है? पहले तो 100 बच्चा भी नहीं आता था। तो चलिए हम बता दें, CM कॉलेज में हम CM कॉलेज की हालात देखें। वैसे कहा जाता है कि आर्ट्स और कॉमर्स के क्षेत्र में CM कॉलेज का काफ़ी नाम है, लेकिन अब जो छात्र हैं वो देखिए पूरी तरह कॉलेज में आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? क्लास से। क्लास करके? जी। पहले क्लास होता था? हाँ, रेगुलर। रेगुलर अभी कितना क्लास हो रहा था? अभी एक क्लास हो रहा है। तो चलिए ये देखिए अब क्लास आ रहे हैं बच्चे, चार चार सवार होकर के आ रहे हैं, लेकिन क्लास तो कर रहे हैं। चलिए हम बता दें कि अभी लोग क्लास कर, कहाँ से आ रहे हैं, क्लास करके आ रही हैं? हाँ। कितना क्लास हुआ है? दो क्लास हुआ। कौन किस में है आप? पार्ट वन में। हाँ। अच्छा, तो रेगुलर अब हो रहा है क्लास? हाँ। कितने टीचर आते हैं? वो तो नहीं पता है कितने टीचर। क्लास के स्टूडेंट कितने आते हैं? वो 200-300 आते होंगे। आ जाते हैं? हाँ। इतना में पढ़ाई हो रहा है? पहले कितना थे? पहले हम ये 2-4 दिन से आइए रहे हैं लग रोज। अब आ रही है? हाँ। अब ट्यूशन व्यूशन नहीं करते हैं अभी? नहीं करते। कॉमर्स पढ़ रही हो? आर्ट्स। आर्ट्स ले रही है। तो चलिए हम दिखा दें और आपको, कहाँ से आए? पहले आप आती थी और अब आ रही? क्या अंतर? नहीं, पहले भी मैं आ रही थी रेगुलर क्लास करती। और स्टूडेंट जो नहीं आ रहे थे? और जो स्टूडेंट नहीं आ रहे थे, जब से ये रूल लागू हुआ है तो सारे स्टूडेंट आने लग गए। सब में डर का माहौल बना हुआ है कि नाम कट जाएगा, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, शायद इसलिए आ रहे। और ये होना भी चाहिए, बिकॉज 2-4 स्टूडेंट रहते तो हम लोगों को भी, स्टूडेंट को भी पढ़ने में मन नहीं लगता, सेकेंडली कि सब टीचर भी को मन नहीं लगता है। तो अभी जिस तरीका से माहौल क्रिएट किया गया, बनाया गया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, हमारे क्लास में अच्छी पढ़ाई हो रही है। के पाठक को जानती हैं? के पाठक को नहीं जानती। नाम सुने? हाँ, नाम सुने, बट मैं उनको नहीं जानती। कैसे सुने हैं नाम आपके? उनसे डर हो रहा है? नहीं, ऐसे सारे बोलते हैं तो मैंने सुना। इससे पहले कभी शिक्षा सचिव का नाम सुनी थी कभी कोई? इनका के पाठक को तो नाम समझ गए आप, डर है कॉलेज में प्रोफेसर को? हाँ, बट सारे। पहले कितने प्रतिशत स्टूडेंट आते थे? पहले अगर देखा जाए तो आई थिंक 40% बोला जा सकता है। अच्छा। और MCOM की बात किया जाए तो हमें लगता है कि 20% बहुत है पहले। या और अभी? अभी देखा जाए तो 80+ है। रेगुलर क्लास हो रहा है? हाँ, रेगुलर क्लास। क्लास हो रहे? क्लास दो क्लास है हम लोगों के हो रहे हैं। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में, एक्चुअली हम लोगों का तीन ही सब्जेक्ट है, तो दो क्लास एक दिन में लिया जा रहा है। तो चलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहत है। तो चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात हम बता दें कि दरभंगा के कई कॉलेजों का हाल दिखा रहे, जहां पहले इक्का दुक्का छात्र नज़र आते थे और आज देखिए यहां पूरे तरह छात्र नज़र आ रहे हैं। और सेम कॉलेज का पहले का भी इतिहास रहा है कि वो किस तरह क्लासेस चलते थे यहां पर। और हम बता दें कि नामांकन प्रारंभ का बोर्ड भी लगा हुआ है और क्लासेस भी चल रहे हैं, यहाँ व्यवस्था भी है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो छात्र छात्राएं क्लास करके निकल रही हैं, उनसे उनका भाव लेना काफ़ी आवश्यक है। के पाठक को लोग नहीं जानते, लेकिन जब से के पाठक ने पूरी तरह अपना एक खौफ पैदा कर दिया कि पूरी तरह क्लास का संचालन होगा, वहाँ होगा। देखे क्या क्लास चल रहा है रेगुलर? हाँ, अब आ रहे हैं कॉलेज? हाँ, पहले तो नहीं आते? पहले का, अभी फर्स्ट टाइम है, 11th ही हुआ। पहले बार? हाँ। अच्छा, पहले आप तो कोचिंग कैसे कीजिएगा? कोचिंग अभी करेंगे, अभी पकड़े नहीं है। नहीं पकड़े। हाँ। कैसा मानते के पाठक का नाम सुने हैं? नहीं। जो देखे, हाँ, ये सुना ये लड़का सुना, बताओ बाबू। अच्छा, बोलना चाहिए के पाठक का नाम समझ गए? नहीं बताते हैं सर। के पाठक का नाम सुने हैं ना आप? हाँ। कैसे सुने?
सर वो हमारी अभी शिक्षा मंत्री है, शिक्षा सचिव है। हाँ भाई। अच्छा, तो उससे डर हो गया तब ना सब क्लास पे आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, टीचर आ रहे हैं, पहले तो नहीं आते थे? हाँ। कितना अच्छा मानते हैं आप उनके, जो उनका जो निर्देश आया है जिससे खौफ का माहौल पे, कैसा अच्छा मानते हैं? बच्चा बोलता है कि अपने बचपन में नहीं पढ़ा है सर वो। ठीक ही है, अब उनके डर से सब आ रहा है कॉलेज। तो क्या क्लास कर रहे हैं? हाँ क्लास कर रहे हैं। किस चीज़ का? हिस्ट्री ऑनर्स। तो क्लास हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या पाठक का नाम सुने? हाँ सुने। कैसे सुने हैं आप? कैसे सुने हैं, उन्होंने अभी जो नए नए रूल्स रेगुलेशंस लाए हैं बिहार में, उस अकॉर्डिंग सुने हैं उनका नाम। तो उनको अच्छा मानते हैं कि पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं? कैसे सर, बेसिकली उनका व्यू देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल कॉलेजेस का, हाँ। जैसे कि अभी हाल ही में खबर आया कि स्कूल में बच्चे को मारा गया है, हाँ। क्योंकि उनको बैठने के लिए जगह सब नहीं था, हाँ। यहाँ पे भी जो बच्चा का देखा जाए, KS कॉलेज देखा जाए, एक दो कॉलेज में देखा जाए, तो इतने सारे बच्चे आ रहे हैं कि बच्चे का बैठने का जगह होगा सब नहीं हो पा रहा है। पहले तो था नहीं, बच्चे आते नहीं थे। अभी इतने बच्चे आ रहे हैं कि जगह होगा सब नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे स्केड्यूल सब बन रहा है, अभी आप लोगों को पता नहीं होगा कि कल से 11th 12th का हो गया, फर्स्ट ईयर का हो गया, सबका टाइमिंग चेंज कर दिया गया है कि बच्चे बैठ सके आ सके, सबका एक टाइमिंग अब से नहीं है। अभी 9 से 11 12 के बीच में 11 12 के बच्चे को इसको कितना पॉजिटिव लेते हैं कि छात्रों के लिए हित में कितना ये हुआ? पॉजिटिव तो सर बहुत है, सारे आके पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा पहले के पाठक जैसा और भी सचिव होंगे, शिक्षा सचिव, उनका नाम तो कोई नहीं जानता है? नहीं सर, कोई ऐसे नहीं थे। तो चलिए देखिए यहाँ पे कई छात्र, आप कहाँ से, किस क्लास में? मैं अभी हिस्ट्री 3rd पार्ट का हूँ, स्टूडेंट हूँ। अच्छा, के पाठक को किस रूप में लेते हैं आप? एक्चुअली मैं जानता ही नहीं हूँ के पाठक। नहीं जानते हैं? पहले क्लास आते थे? एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ है तभी से आना स्टार्ट हुआ है। जब ये नोटिस, कितने स्टूडेंट आते थे पहले? तो 9 के बराबर ही आते थे। अब कितने आ रहे हैं? अब तो पूरा क्लास भरा होता है। किसका योगदान मानते हैं आप? पता नहीं, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी हैं, के पाठक आप नहीं मानते जो भी के मतलब शिक्षा? मैं जान डर खौफ नाम तो सुने होंगे शायद, मैं नहीं जानता। बच्चा नाम सुना है कि के पाठक, स्कूल में खौफ है, कॉलेज में खौफ है, टीचर को टाइम कराना है। खौफ नहीं कहिएगा, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी था, क्योंकि आप देखेंगे बिहार का स्टूडेंट ऑब्वियसली हर स्तर पर अच्छा कर रहा था, लेकिन ये जो एकेडमी स्तर पे था वो उतना बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा था और भी स्टेट से। अच्छा। पर इस कारण से काफ़ी अच्छा बिहार के स्टूडेंट पॉजिटिव मानते हैं। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इतना अच्छा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है तो अच्छा ही होगा। तो चलिए हम बता दें कि दरभंगा CM कॉलेज, मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ, लेकिन एक समय बता दें कि यहाँ छात्र काफ़ी कम आया करते थे, लेकिन आप देखें हरा भरा चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय कितना अच्छा लगता है। जब यहाँ रेगुलर 1000-1200 छात्र आ जा रहे हैं, क्लास में 300-350 छात्र बैठ जाते हैं, उसके बाद जगह नहीं होता है, इस परिस्थिति में क्या रहे तो क्या करें? क्या के पाठक को सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? कहां से आ रहे हैं आप लोग? आइए आइए, क्लास चल रहा है। हाँ। अच्छा, के पाठक को जानते हैं? के पाठक नाम सुने हैं? नहीं। आप लोग नाम सुने के पाठक का? शिक्षा सुन रहे हैं? कैसे? शिक्षा सचिव हैं। इससे पहले तो बहुत शिक्षा सचिव थे, किसी कोई जानता ही नहीं उनको? नहीं उस इनका जो व्यू है स्टूडेंट के प्रति, जिससे बिहार की स्थिति सुधर सकती है उनका। कोचिंग वाले सब तो नाराज हैं कि जो कॉलेज चला देगा रेगुलर, तो मेरा है, तो उनके लिए दूसरा व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन उनका जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, यहाँ पर फर्स्ट क्लास है। हाँ। आज BA Part 1 में अनुभव बहुत अच्छा है। एक साथ इतने स्टूडेंट को देख लिया? जी बिल्कुल बहुत अच्छा है। अचानक छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए, देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, YouTube में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।